फैसला करना आसान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक की राय पैदा हुआ। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो शाह साहब कहेंगे फैसला वही होगा। जो नाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो नाम है नासिरुल मुल्क। सबसे बेहतर उनकी जो हिस्टोरिक पोजीशन है, मुल्क को फेयर एंड फ्री इम्पार्शल इलेक्शन देंगे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके वजीर आजम से अपोजिशन लीडर की छेवीं बैठक ब्रेक थ्रू। साबिक चीफ जस्टिस नासिर मुल्क निगरान वजीर आजम मुकर्रर। ना का ऐलान वजीर आजम से अपोजिशन लीडर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। डेड लॉक खत्म करवाने स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक का किरदार अहम रहा। नामजद निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क का तालुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात नाले। 3 नवंबर की एमरजेंसी पीसीओ एनआरओ 18वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुनने वाले बैंच शामिल रही है। इलेक्शन को धांधली की बुनियाद से कलदम करार देवण दिया दरखास्त खारिज कितिया। कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रही है। नासिरुल मुल्क का बतौर निगरान वजीर आजम तकरर। तहरीक इंसाफ का भी खैर मुकदम इमरान खान तैनाती खुश आइंद करार दे दी थी। नए ख्वाहिशात का इजहार अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जमात इस्लामी अवामी मुस्लिम लीग को भी नाकाबिले कबूल। लाहौर की मकामी अदालत फायरिंग। लीगी रुकन असेंबली सैफुल मलूक खोखर के भतीजे के कतले मुलविस मुलजिम असलम उर्फ अच्छू मारा गया। एक मुलजिम गिरफ्तार दूजा फरार। मुलजिम को बलोचिस्तान तो गिरफ्तार किया गया है।